कोई व्यक्ति कैमरे के सामने अच्छा और भला दिखता हो, जरूरी नहीं कि वो वास्तव में भी ऐसा ही हो। यहाँ पर ऐसे कई बॉलीवुड हस्तियों के बारे में बताते हैं जो अपने फैंस के साथ असल जिंदगी में भद्दे और गलत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर एक्टर सबसे ज्यादा असभ्य हैं और कुछ नाम देखकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, गोविंदा। आप सब लोग 2008 की उस घटना से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे जहां पर फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर गोविंदा ने अपने एक प्रशंसक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उस फैन का नाम संतोष राय था जिसने गोविंदा के खिलाफ अदालत में केस कर दिया था और कोर्ट ने संतोष के पक्ष में निर्णय सुनाया था। गोविंदा को 5 लाख रुपए का हर्जाना और पीड़ित से क्षमा याचना की सजा सुनाई थी। यह घटना गोविंदा को वास्तविक जिंदगी में सबसे ज्यादा असभ्य बनाती है। नंबर 2, करीना कपूर। करीना के लिए विवादों में रहना और असभ्य बयान देना कोई भी नई बात नहीं है। पूर्व में उसने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा जैसी अभिनेत्रियों के बारे में अनाप शनाप बयान दिए हैं। हाल ही में उसने सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बयान दिया कि वो गृहिणी बनने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। वो यहीं पर नहीं रुकी, उसने अमीषा पटेल की भी बहुत बेइज्जती की जिसमें उसने उसके चेहरे की झुर्रियों और आंखों के किनारे कालापन के बारे में बयान दिया। करीना का सबसे दिलचस्प विवाद उसका प्रियंका चोपड़ा के उच्चारण के बनावटीपन को लेकर था। नंबर 3, बॉबी देओल। अपने कैरियर के बुरी तरह असफल होने के बाद बॉबी देओल विवादों के कारण सुर्खियों में रहे। 2009 में बॉबी देओल शराब के नशे में धुत होकर एक रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब चौकीदार ने बताया कि दुकान बंद हो गई है और दूसरे दिन सुबह को खुलेगी तो नशे में धुत नाराज बॉबी ने गालियां बकी और अपने जूते दुकान के दरवाजे पर फेंके। इसलिए बॉबी देओल आज इस असभ्य अभिनेताओं की सूची में शामिल है। नंबर 4, सलमान खान। असभ्यता और सलमान खान एक दूसरे के पर्यायवाची है। वर्ष 2013 में सलमान खान के कुछ प्रशंसकों ने जब वो कार में बैठे हुए एक तस्वीर ली, इससे सलमान खान बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कार का शीशा खोलकर अपने फैन का फोन छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। बाद में इस फैन ने बताया कि सलमान के लिए इस फोन की कीमत कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अगर फोन टूट जाता तो इससे उसको बहुत नुकसान होता। इस घटना से सलमान के फैन की संख्या में जरूर कमी आई होगी और शायद उनके प्रति सम्मान में भी कमी आई होगी। नंबर 5, अनुष्का शर्मा। अनुष्का संभवतः असल जिंदगी में सबसे ज्यादा असभ्य है। अनुष्का हमेशा गलत कारणों से सुर्खियों में रहती है। एक बार अनुष्का उपहार में देने के लिए एक ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए गई। दुर्भाग्य से उस समय वो ड्रेस उपलब्ध नहीं थी। इससे नाराज अनुष्का ने प्रबंधक को खूब भला बुरा कहा। बाद में इस कारण उस अभागे स्टाफ एक महीने की तनख्वाह का नुकसान उठाना पड़ा। इस साल भी उसने एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने के लिए असभ्य तरीके से डराया। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन उसको इसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया जिससे उस व्यक्ति को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। नंबर 6, कटरीना कैफ। बेवकूफ कारणों की वजह से नखरे दिखाने के लिए जानी जाती है। एक बार वो फ्लाइट पर एक कर्मचारी पर चिल्ला पड़ी क्योंकि उसने सीट बेल्ट बांधने के लिए कटरीना को कंधे पर हाथ रखकर जगा दिया था। अभिनेत्री ने इस बात के लिए उस कर्मचारी से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। एक अन्य चौंकाने वाली घटना में कटरीना ने एक 10 वर्षीय बच्चे की ऑटोग्राफ की इच्छा को बेहद खराब मुंह बनाकर मना कर दिया। नंबर 7, सोनम कपूर। कपूर परिवार का असभ्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों में बड़ा हिस्सा रहा है और सोनम कपूर कोई अपवाद नहीं है। उसने एक खबर ट्वीट करके बड़े विवाद को जन्म दिया था। उसने शोभा डे द्वारा उसकी फिल्म आई हेट लव स्टोरीज की आलोचना की थी तो उसने ट्वीट किया कि शोभा डे को गंभीरता से ना ले, वो एक पुरानी वस्तु है। इस ट्वीट ने सिद्ध किया कि सोनम को अपने वरिष्ठ लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है। नंबर 8, ट्विंकल खन्ना। एक बार जब अभिनेत्री से लेखिका बनी ट्विंकल अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ शॉपिंग करने गई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बबल मेकर झाग बनाने वाले खिलौने से खेल रहा है। वो गुस्से से दुकानदार के पास गई और अपमानजनक तरीके से पूछा कि क्या उसने यह खिलौना बच्चे को दिया है। इसके जवाब में परेशान दुकानदार ने कहा कि वो चाहे तो मैनेजर से शिकायत कर सकती है। ये कहानी अवश्य ही भड़की होगी। नंबर 9, पूजा बेदी।
पूजा बेदी के पति ने 70 साल की उम्र में अपनी 10 वर्ष से प्रेमिका रही महिला से शादी की, लेकिन पूजा बेदी इस शादी से नाराज थी। बाद में उसने ट्वीट किया कि हर शादी में एक मनमोहनी होती है या फिर शैतान सोतेली माँ, मुझे मेरी माँ मिल गई। नंबर 10, कुशल टंडन। अमीषा पटेल एक बार सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय खड़ी नहीं हुई, पर कुशल टंडन इस बात के गवाह थी और इस बात का गुस्सा उन्होंने अमीषा की बेइज्जती ट्वीट करके निकाला। बाद में अमीषा ने इसके जवाब में कहा कि अपने मासिक धर्म की समस्या के कारण वो खड़ी नहीं हो पाई थी और थोड़े समय के अभिनेता कुशाल पर महिलाओं की निजी बातों में झांकने को लेकर बहुत नाराज हुई। ऐसे ही बॉलीवुड गपशप पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी टॉक टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।